ओके सो कौन सा टॉपिक नंबर है आज आपका? स्क्रीन पे आप एक बार शेयर कीजिए ना पीडीएफ। तो अच्छा एक सेकेंड आई एम शेयर। 21 तक, यस हाँ 21 तक हो गया था ओके जस्ट अ मिनट आई एम शेयरिंग द जो। स्क्रीन। हाँ यस नाउ आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यस ट्वेंटी मैम। वन मोर एडमिशन ग्रोथ आइडियाज, यहाँ तक हो गया था आपका? हाँ, बहुत आइडियाज। मंथली वीकली अनुअल प्लानर अनुअल एक्टिविटीज को करिकुलम प्रोवाइड एंड फंक्शंस, ये सब हो गया आपका ये वाला टॉपिक? नहीं मैम, ये नहीं हुआ था। अच्छा देखो ट्वेंटी ये वन तक, हाँ 20 हुआ था। मोर एडमिशन ग्रोथ पॉइंट तक आपका डिस्कस हो गया लास्ट क्लास में, हाँ, ठीक हो है। मैम, हो। तो अब हम बात करेंगे मंथली वीकली अनुअल प्लानर, ठीक है। अब ये अनुअल एक्टिविटी अनुअल प्लानर वही है मैम जो मैंने आपको 25 PDF सेंड करी है, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड, हाँ जैसे हमने आपको 25 सर की पे करी है आप पे करी है, जो हमने 25 PDF आपको सर सेंड, हाँ जी सर के पे की मैम, सर अभिनव के के पे पे, की है, शायद मेरे पे नहीं है। ओके तो जस्ट अ मिनट। हाँ मैंने सर का ही ओपन किया हुआ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। हाँ तो मैंने ये बहुत पहले करी हुई आपको 25 PDF, तो मैंने उसमें आपको अनुअल प्लान दिया हुआ है कि आपको महीने भर में बच्चों को क्या करवाना है, ठीक है ना। जैसे अभी देखो ये सारी PDF ही आ गई है, तो इसमें आप जब ये देखेंगे यहाँ पे टाइम टेबल वाला पार्ट डिस्कस हो गया आपके अच्छे से, टाइम टेबल तो हो गया टाइम टेबल था। हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं मंथली प्लानर, तो मंथली प्लानर के लिए मैं आपको यहाँ पे एक LKG की फाइल ओपन कर रही हूँ, तो PDF आपको शो हो रही है? एक हाँ सेकेंड मैम, हो रही है। PDF शो हो रही है, ठीक है। अब ये हाँ मैम, हो देखिए रही जो है। फ्रेंड टू माइंड आपका, क्लियरली। हाँ जी जो अब मैं हाँ आपको बोल रही हूँ कि आपको मंथली प्लानर करना है, तो मंथली जो प्लानर होगा आपका वो आपका ईयरली पे तो बेस होगा कि आप ईयरली में क्या पढ़ा रहे हैं, यानी आपका सेशन अप्रॉक्स अप्रैल से न्यू स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे अप्रैल टू मई, तो यानी आपको इंग्लिश में क्या पढ़ाना है A to M रिलेटेड एक्टिविटी। आप कहोगे मैम ये रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या है, तो जो मेरी बुक्स में है जैसे ए से ए एप्पल को मैचिंग करना, ठीक है ये सब एक्टिविटी है, बी से आपकी बॉल को, लेकिन जब LKG का स्टैंडर्ड आता है तो ए से आपके बहुत 5 to 6 अल्फ़ाबेट्स मेरी बुक में है, जैसे बच्चा ये सीखेगा कि कैसे करना है। तो LKG आई थिंक आपके स्कूल में नहीं है, तो मैं एक बार नर्सरी का ओपन कर लेती हूँ। एक काइंड ऑफ मैं आपको ये समझा रही हूँ कि मैंने आपको मैम, हर महीने का दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये LKG का है तो मैं यहाँ पे मैं आपका नर्सरी का यस ये खोल देती हूँ देखो। तो एक सेकेंड मैं इसको रबर से, अब ये आपका प्ले ग्रुप टू नर्सरी है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बता रखा है कि प्ले ग्रुप में सच एज कुछ ज़्यादा सिलेबस होता नहीं है, तो आप जो है ये टू हाँ टू थ्री यानी 2 ढाई साल से पहले पहले बच्चा प्ले ग्रुप करेगा, और उसके बाद जो है बच्चे को मैं नर्सरी में कर देंगे, तो एक काइंड ऑफ नर्सरी का ही सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि प्ले ग्रुप में तो इतनी पढ़ाई होती नहीं, तो ये आपका नर्सरी क्लास का सिलेबस है। तो अब इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया था बच्चों को फ्री हैंड ड्राइंग इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी बच्चों को एक पेपर दे देंगे हम, ये पेपर है, और बच्चों को स्क्रिबलिंग स्क्रिबलिंग करने के लिए देंगे। एडजस्ट इन एनवायरनमेंट, बच्चा जब स्टार्टिंग में आया तो यस एडजस्ट इन एनवायरनमेंट करेगा। टू टू पोएम्स बोथ इन इंग्लिश एंड लैंग्वेज, तो यही चीज़ें जब मैंने आपको मंथली में दे रखी है ना, इसको आप वीकली में तोड़ लेंगे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको ये करवाना है, अप्रैल के सेकेंड वीक में आपको ये करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसमें कर सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है आपको, ट्रेसिंग शीट है, फ्री हैंड ड्राइंग है, ये सब मैंने हाँ आपको PDF में दिया हुआ है, तो ये आप हाँ अपनी जो टीचर है उनको दे सकते हैं कि वो इसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो पढ़ाए आपके स्कूल में। तो अभी इतना कुछ डाउट है आपको पहले मुझे बताइए,
कि आप जो है इस, फुटबॉल हाँ जी, तो इस तरीके से जो है मैम आप, कोई, हम ये करा रहे हैं मैम, फ्री हैंड ड्राइंग भी करा रहे हैं और कलर भी कर रहा है बच्चा, हाँ जी, जिसमें हमने ऐसे एक मैथ बता दिया, वो सब कर रहा है जो आप बता रहे हैं, और फाइन मोटर स्किल्स भी जनरेट, ब्लॉक बना रहा है तो फाइन मोटर स्किल्स हो ही रहे हैं उसके, बिल्कुल और उसके बाद फिर मैम ये जो जैसे ये कलरिंग का है, बच्चे कलरिंग भी कर रहे हैं, हाँ पोयम भी जी, बच्चों को याद है, वर्ड टू हाँ फ्रेंड तो ये काउंटिंग भी याद फर्स्ट होती वीक है। यानी फर्स्ट मंथ आपका सही जा रहा है, तो ये फर्स्ट में इसमें जैसे फोर वीक हो, फर्स्ट वीक आपने फ्री हैंड पे ध्यान दिया, सेकेंड वीक में आपने एक पोएम यहाँ से ले ली, यहाँ ट्रेसिंग शीट करानी शुरू कर दी, तो यानी आपके पास पूरे महीने का सिलेबस है, अब इसको आप मंथ में तोड़ेंगे, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, उसको क्या कराना है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी फर्स्ट वीक में आपको ये लेके चलना है, आप कहोगे मैम हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत स्लो हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो यानी आपको मैंने कंप्लीट मंथली सिलेबस दे दिया है, काइंड ऑफ एक अनुअल सिलेबस दे दिया है, तो आप उससे जो है अपना वीकली सिलेबस तोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका मई मंथ का आ गया, जब बच्चे को ये सब चीज़ आ जाएगी देन बच्चा स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन सीख लेगा, तो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग के लिए क्या है, एल एंड टी बनाना सीखेगा बच्चा, मैथ्स में नंबर वन सीखेगा, ठीक है, तो ये मई मंथ का यानी अगले एक महीने का सिलेबस है, ठीक है, तो क्लियर हो रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ मैम ये का, करवा सकते हैं ना हम अभी थोड़ा थोड़ा, जो भी जैसे बच्चा जो थ्री एंड हाफ ईयर की जो गर्ल है उसके लिए हम ये करा रहे हैं, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन कर रही है मैम, हाँ बना जी, हाँ जी, लेती है बिल्कुल वो। बिल्कुल, मतलब पहले प्ले ग्रुप में बच्चा जैसे मैंने बताया था पहले एडजस्ट होगा, प्री राइटिंग स्किल्स होएंगी, ये सारे प्री राइटिंग स्किल्स के ही वर्क है, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ प्ले ग्रुप और नर्सरी का मर्ज अप सिलेबस है, ठीक है, प्ले ग्रुप में तो बच्चा स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन ही सीखता है, उसके बाद जो है बच्चा ये सब सीखेगा, तो ये मैंने आपको ईयरली सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, ये ईयरली सिलेबस है, इसको आप यानी आप फिर फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो जाएंगे, जो बच्चा नर्सरी में है, तो यानी जितना बच्चे ने पीछे पढ़ा है कुछ सिलेक्टेड आइटम एक्टिविटी राइमिंग रख के उसका कंप्लीट एक टेस्ट ले सकते हैं आपको, ठीक है, या फिर छोटे छोटे क्लास टेस्ट तो होते ही रहेंगे जो पीछे के टॉपिक हैं, सिलेबस बहुत ही रेयर है, बहुत ही बेसिक सिलेबस रखा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अब ओरल पोर्शन थोड़ा सा नर्सरी में ज़्यादा रखा है क्योंकि इस टाइम रिटर्न कम है, ठीक है, जब बच्चा स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग सीख लेगा तो अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने बच्चा स्टैंडिंग एंड ये स्लैंटिंग लाइन सीखेगा, ये स्लैंटिंग लाइन, ये दो जो लाइन देख रहे हैं ये स्लैंटिंग लाइन है, अब जब बच्चा ये सीख लेगा तो बच्चे को ए आ जाएगा, के एम वी एक्स वाई जेड, तो मतलब बिल्कुल प्री राइटिंग स्किल्स है जिसमें से बच्चे को हम सिखाएंगे, और मेरी बुक्स का कंटेंट वगैरह भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी तरीके से बुक्स का कंटेंट है कि आप जो है बच्चों को किस तरीके से क्या क्या महीने में कराएं, तो सीरियल वाइज ही है, जैसे मेरी बुक्स में नर्सरी में पहले आप आई देखेंगे, आई सबसे इजी अल्फाबेट्स होता है, देन एफ ई एच एल, ये अगेन मैंने आई लिख दिया है, पर ये आपके बिल्कुल बेसिक्स बेसिक्स आपके अल्फाबेट्स मैंने लिए हैं, ये आपका एनुअल प्लान है, इसको आप वीकली में तोड़ लेंगे, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, तो ये पीडीएफ आपको मिल गई है तो आप इसको देख लेना, ठीक है, तो ये आपको हर क्लासेस की मिली हुई, वैसे आपका प्ले ग्रुप नर्सरी है तो मैंने अभी दिखाई दिया सिलेबस, अब बात करते हैं एक्टिविटी की, तो आपके साथ मैंने एक्टिविटी डिस्कस कर ली है, जो हमारे ईयरली बेसिस पे एक्टिविटी होगी, नहीं मैम, वो डिस्कस नहीं, एक्टिविटी को डिस्कस नहीं हाँ है। वो डिस्कस नहीं हुआ, तो वो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ कि आपकी एक तो डेली एक्टिविटी एंड प्लानर टाइम क्या रहेगा, जैसे ये 9 से 12:30 का टाइमिंग है, आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर द टाइमिंग ऑफ योर स्कूल, लाइक आपका 8 से शुरू हो रहा है तो 1 तक रख रहे हो कि 12 तक रख रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको 10 से, कहीं स्कूल बहुत लेट रखते हैं तो 10 से 2 जैसे विंटर में ये टाइम कर सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू है कि आप क्या प्रॉपर एक टाइमिंग रखना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो जा सकते हो, ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या करना है हमें, जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चा आएगा ये हम प्लानर एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी दे सकते हैं पेरेंट्स को, जैसे हम उनको ये बता रहे हैं कि आपका बच्चा यहाँ आने के बाद क्या क्या करेगा, तो जस्ट अ मिनट, इसको पूरा स्क्रीन पर मैं ले लूँ, देखिए तो मैम यहाँ यही सेम हमने क्लास में टाइम टेबल लगा दिया लगा है, के दिया प्रिंट है, आउट करा के, कि बिल्कुल सही, इतने टाइम से इतने टाइम ब्रेक होगी,
फिर मतलब एक्टिविटी होगी, लंच होगा, वो सब हमने बता दिया, मतलब लगा हुआ है क्लास हाँ कि ये करना जी, है फ्राइडे को, ये करना है। तो 9 से 9:15 आपकी प्रेयर होगी, देन कुछ बेसिक्स वर्कआउट जैसे जंपिंग जैक है और जंपिंग है, ये सब चीज़ें हम बच्चों को थोड़ा एनर्जी बूस्टिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट जब बच्चा एनर्जाइज हो जाएगा तो उसे हम रिटर्न वर्क कराएंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी जो मैंने आपको बता दिया टाइम टेबल। देन उसके बाद बच्चे का फूड ब्रेक आएगा, ठीक है। इससे पहले हम एक फ्रूट ब्रेक भी ले सकते हैं, तो बच्चों को हमें फ्रूट खाना भी स्कूल में सिखाना चाहिए, तो ये फ्रूट ब्रेक भी हम इससे पहले ले सकते हैं या स्टडी से पहले ले सकते हैं या स्टडी के ड्यूरेशन टाइम भी ले सकते हैं, तो कुछ जैसे 10-15 मिनट का, जैसे कोई एप्पल है 2 स्लाइस बच्चा खा ले, तो ये थोड़ा सा बच्चों को फ्रूट ब्रेक हम देते हैं। और कई स्कूल में ना फूड और फ्रूट एक साथ कर देते हैं, तो बच्चा ना फूड खा नहीं पाता पूरा, फिर तो उसको थोड़ा सा ये स्कूल में बच्चा ईटिंग हैबिट सीखे, तब एक फ्रूट ब्रेक हम थोड़ा सा लगा सकते हैं जो 15 से 20 मिनट्स का होगा। नेक्स्ट है फूड ब्रेक, तो हाइजीन, बच्चों को अच्छा खाना लाने दे, स्टील बॉक्स में लाने दे, नूडल्स सॉसेस ये अलाउ नहीं होते स्कूल्स में, कई स्कूल्स में नॉन वेजिटेरियन नहीं फूड अलाउ होता, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आप रूल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 10:45 to 11:15, ये आपके गेम्स एंड राइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा खेलेगा, राइड्स लेगा, एंजॉय लेगा। और ये 11:45 से 12 तक ये पोएम्स एंड राइमिंग है, लेकिन इससे बीच का टाइम मैंने एक एक्टिविटी पीरियड का भी बता रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी करेगा, जैसे कभी डांस करवा दिया, कभी जुम्बा करवा दिया। अब मैंने कहीं देखा कई स्कूल में सिर्फ वीक में एक बार एक्टिविटी करा रहे हैं, जी नहीं, आपको काफ़ी डेज में जो है ये एक्टिविटीज़ करानी है, और दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो कि आपको ये सारी ही एक्टिविटी लेके चलनी है, ठीक है। तो कोई डाउट है इसमें आपका स्वाति जी? नो नो मैम, कोई डाउट नहीं मैम, इसी अकॉर्डिंग हम चल भी रहे हैं क्लास में चलो ना, ठीक है, वेरी इसी के गुड, अकॉर्डिंग चल। हाँ थोड़ा कंफर्म आपको हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लिस्ट, तो ये थोड़ा सा गौर से ध्यान देना कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की नीड क्या है, व्हाई वी सेलिब्रेट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ 14 एक्टिविटी लिखी हुई है, ठीक है। इसमें आपके एक्टिविटीज से अगर बात करें तो आपके रिलीजियस फंक्शन भी काइंड ऑफ एक्टिविटी सेलिब्रेशन ही होता है, जैसे आपका राखी सेलिब्रेशन है, आपका जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन, एंड ये सब का एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका आप ये ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके से ये करना है। सो फर्स्ट थिंग इज कि वाई वी सेलिब्रेट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इन अ स्कूल, वाई वाई, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो है बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है, टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जो बच्चों में शाइनेस है वो हटाएंगे, ऑफकोर्स बात ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, बच्चों को स्टेज फियर जो होता है इस एज में, इस एज में तो नहीं होता, अगर इस एज में हम नहीं कराएंगे तो नेक्स्ट एज में वो बढ़ जाता है, तो यानी आपको स्टेज फियर जो है बच्चों का वो रिमूव करती है ये सब एक्टिविटी। तो मैं आगे आपको बताऊंगी क्या क्या एक्टिविटी है। बच्चों की ओरल जो है स्पीकिंग लेवल अच्छा जाता है, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी का ध्यान में देते हुए आप जितने ब्रांडेड स्कूल्स का नाम देख लीजिए, आप कहोगे मैम ब्रांडेड स्कूल में ऐसा क्या है जो वहाँ पे इतनी भरमार है एडमिशन्स की, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस। तो मैं आपको ये बता दूँ कि 80% जो है ना, 80% जो है वो यही एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं। आप कहोगे मैम ये एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो ही करवाते हैं, तो बस इनका ये होता है कि इनके एक अच्छा हॉल एंड स्पेस होता है, तो ये रेंटेड पे हॉल ले लेते हैं, तो अगर आपके पास स्कूल में कोई जगह है या फिर कोई गार्डन है वहाँ अच्छे से डेकोर करके साल में एक आध फंक्शन आप बड़ा कर दें तो अच्छी बात होती है। अदरवाइज आपके पास, अगर आपके पास तो वैसे स्पेस अच्छा है, तो आप इनसाइड द स्कूल भी ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। तो सबसे पहले है ड्राइंग कंपटीशन, तो ड्राइंग कंपटीशन आप नर्सरी एंड एलकेजी यूकेजी, जैसे आपकी क्लास में भी एलकेजी यूकेजी नहीं है तो मैं रिपीट नहीं करूँगी बार बार, तो आपकी क्लास में जितनी क्लासेस है जैसे प्ले ग्रुप एंड नर्सरी, तो आप उसमें एक ड्राइंग कंपटीशन या ड्राइंग एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे प्ले ग्रुप के बच्चों को हमने क्या कहा, सिर्फ फिलिंग फिलिंग विलिंग वक्त दे दिया, जैसे मान लो हमने एप्पल बना के दे दिया और प्ले ग्रुप का बच्चा जो है इसमें सिर्फ कलर करेगा, तो ये एक्टिविटी हो गई। अब नर्सरी का बच्चा जो है कुछ शेप अप भी बना सकता है, ठीक है, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन सीख ली तो कुछ वो ऑब्जेक्ट बना सकता है, तो ये सब चीज़ें जो है आप एक एलकेजी के बच्चों को रख सकते हैं। तो
डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग आप ये एक्टिविटी रखिए। नेक्स्ट है रैंप वॉक कंपटीशन। अब रैंप वॉक कंपटीशन क्या है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको रैंप वॉक स्कूल में कराना चाहिए। अब इस सब के लिए मैंने आपको पहले कहा था एक एक्टिविटी एरिया भी आपके स्कूल में होना चाहिए। जैसे मान लो ये एक्टिविटी हॉल है, ठीक है, काइंड ऑफ एक हॉल है, यहाँ पे आपने एक स्टेज रख दिया, तो एक्टिविटी एरिया जो रूम होगा वहाँ पर, एरिया या रूम मीन्स, आपने देखा होगा कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में या अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में आपका बड़ा गार्डन होता है और वहाँ पे स्टेज फैसिलिटीज होती हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो उनको वॉच करते हैं। तो काइंड ऑफ जब इस तरह के हम यहाँ पे रखते हैं तो इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो रैंप वॉक में क्या होगा, बच्चा जैसे हमने यहाँ पे कोई कारपेट बिछा दी और बच्चा यहाँ वॉक वॉक करता हुआ आया, अपने आप को प्रेजेंट किया, यहाँ पे हम माई सेल्फ कॉम्पिटिशन भी रख सकते हैं, ठीक है। माई सेल्फ कॉम्पिटिशन इन द सेंस ऑफ कि बच्चा आप बोलेगा माई नेम इज़ दिस, आई स्टडी इन दिस क्लास, आई स्टडी इन दिस स्कूल, माई एज इज दिस, माई हॉबीज़ आर, तो काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है बच्चा वहाँ पे देगा। और जहाँ पे आप स्टेज वगैरह लेंगे तो यहाँ पे बच्चे की पिक्स वगैरह होगी, तो यानी बैकग्राउंड में अगर आप स्कूल का लोगो और बैनर लगाएं तो काइंड ऑफ आपका एडवर्टाइजमेंट ही हो रहा है। यहाँ से अगर कोई शूट करेगा तो बैकग्राउंड में आपका सारा वो दिखाई देगा। दिस इज अगेन अ एडवर्टाइजमेंट पार्ट ही है आपका, कि आपकी जो फोटोज़ वगैरह हैं आप जब लें तो सामने आपके स्कूल वगैरह का पीछे से पूरा दिखाई दे। तो एक एक्टिविटी एरिया आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। ये मैंने सर को बताया था स्टार्टिंग में कि एक्टिविटी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पीछे आप कहोगे मैम बैनर, तो बैनर आप फ्लेक्स बोर्ड का लगा लो, उसको आप थोड़ा टेम्प्रेरी बेसिस भी रख सकते हो। आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेक्स बोर्ड आते हैं, तो वो आप पीछे हटा सकते हो, उसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने स्कूल का ऐड करोगे एंड दैट विल बी द ग्रेट थिंग, ठीक है, आपका जो स्कूल का हो रहा है। तो यानी जो ये आपको मैं जितनी नंबर्स ऑफ एक्टिविटी बता रही हूँ ये आपको स्टेज पर ही करवानी है। जैसे डांस कॉम्पिटिशन हो गया, तो डांस है अपने ग्रुप में कुछ सिखाया। राइमिंग कॉम्पिटिशन है, जो आपकी कोर्स की राइमिंग है, बच्चा प्रॉप यूज़ करके, जैसे मान लो हाथी राजा है, तो यानी एक स्टूडेंट जो है एक बड़ा सा A4 साइज का ले लेगा, इस पे हाथी की पिक्चर बच्चा बना दे, या फिर हाथी का टैटू भी बच्चा जो है मतलब काइंड ऑफ एक टॉय भी है वो भी लेके, हाथी राजा मतलब कहने का मतलब वो प्रॉप लेके भी उस पोएम को बोले, ताकि जो है एक ग्रेट वे में वो है एक्टिविटी जो है आपकी सेलिब्रेट हो। तो आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट कि आपको इस तरीके से जो है ये चीज़ें करानी है। तो अभी इन एक्टिविटी में कोई डाउट है तो बताइए। यस माइक कॉम्पिटिशन, माइक हाँ, माइक कॉम्पिटिशन है मैम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ माइक पे, जैसे आपका स्पोर्ट्स डे हो गया, इसमें बच्चे का स्पून गेम हो गया, आप ये करवा सकते हैं, और स्पून गेम हो गया, जंपिंग हो गया, रैबिट जंप हो गई, रैबिट की तरह कूद कूद के बच्चों को जाना है सामने, फिर उसको पिक करना है, ठीक है। और या फिर सामने बकेट में आपने बहुत सारे टॉयज रखे हैं, तो टॉयज बच्चे भागेगा, टॉयज उठाएगा और दूसरी बकेट में डालेगा। तो दिस टाइप ऑफ फनी गेम्स आप जो है स्पोर्ट्स डे में खिला सकते हो। तो स्पोर्ट्स डे काइंड ऑफ एनुअल डे आप सेम डे भी रख सकते हो, और एनुअल डे आप अलग दिन भी रख सकते हो। आपने देखा होगा कि दिसंबर से लेकर फेब तक है ना, आपके बहुत सारे स्कूल्स में एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दीज आर द ऑल आपका एडवर्टाइजमेंट पार्ट ही हो रहा है। यहाँ पे हम ये दिखाते हैं पेरेंट्स को, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, एंड व्हेन यू अपलोड दिस टाइप ऑफ इमेजेस ऑन सोशल मीडिया पेजेस एंड दैट विल बी द ग्रेट थिंग, कि वहाँ पे आपका ऐड हो रहा होता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स डे में आप डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स करवा सकते हैं, रेसिंग करवा सकते हैं बच्चों की, स्पून गेम्स, रैबिट गेम, जंपिंग, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी आप स्पोर्ट्स डे पे करवाइए। एनुअल डे आपका मिक्सअप होता है, इसमें डांस है, इसमें स्पोर्ट्स है, इसमें पोयम है, इसमें ग्रुप डांस है, सोलो डांस अगर किसी बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डुएट भी करा सकते हैं, या फिर हम कुछ बच्चों को प्ले करवा सकते हैं, रामायणा कुछ प्ले करा सकते हैं, बच्चा उस पर एक्टिंग करेगा, तो काइंड ऑफ ए मिक्सअप है एनुअल फंक्शन, ठीक है। तो दीज आर द एक्टिविटी कि आप स्कूल में जब सेलिब्रेट करेंगे पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड कि भाई हमारा बच्चा स्टेज पर आ रहा है, क्योंकि जो स्टेज वर्ड है ना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस ला देता है। और जब बच्चों को आप छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की हैबिट स्टार्टिंग से ही दे रहे हैं, मतलब प्ले ग्रुप से, नर्सरी से, तो आप देखोगे जब वो फोर्थ फिफ्थ में आएंगे और जब उन्हें परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा
तो द चाइल्ड विल बी द यूज टू ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग ना. आपने देखा होगा हमारे टाइम में इस तरह के फंक्शन एंड सेलिब्रेट इतने लेवल पे नहीं होते थे. उस टाइम इतनी जो प्ले स्कूल्स है उतने वाइड उनका नोन नहीं था. तो आप देखना हमारी जो क्लासेस के रहे, इवन मैं अपने टाइम की बात करूँ तो वी हैव अ सम टाइम ऑफ अ स्टेज फियर. वाई? बिकॉज वी यूज टू नहीं है हमें सब चीज़ों के ना. तो आजकल के बच्चों को हम प्ले ग्रुप से, नर्सरी से, इन सब चीज़ों का एक परफॉर्म दे रहे हैं, एक परफॉर्मेंस करने का मौका दे रहे हैं. और पेरेंट्स वांट, पेरेंट्स लाइक दिस थिंग कि उनका बच्चा सब किस नज़रों में आए, सब बच्चे उन्हें प्रेस करे, क्लैपिंग करे. और व्हेन यू पोस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस, अगेन दे विल फील वेरी प्राउड कि मेरा बच्चा इतना फेम हो रहा है, मेरा बच्चा आगे खड़ा है, मेरा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है. तो ये एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसको एनुअल डे में, साल में एक बड़ा फंक्शन आप एनुअल डे का रख सकते हैं. और बाकी आप टाइम टू टाइम जो है स्टेज एक्सपोजर माइक के थ्रू. अब माइक कंपटीशन क्या है? माइक कंपटीशन इट मीन्स कि आप माइक में बच्चों का कुछ कंपटीशन रखवाएं, लाइक ये राइमिंग कॉम्पिटिशन्स है या माई सेल्फ कॉम्पिटिशन है, या फिर 15 अगस्त पे कुछ लाइनें आपने बच्चों को बोल दी. तो बच्चों को सबको बुलवाइए माइक पे और जो अच्छा बोल रहा है उसे प्रेस कीजिए. आप किसी गिफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लैपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और कैसे भी उसको छोटा सा मतलब प्रेस आप कर सकते हैं. क्योंकि जब हम प्रेजिंग करते हैं, अब ये थोड़ा सा देख लेना कि पेरेंट्स थोड़ा सा इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना ले कि वो बच्चा फर्स्ट आ गया. कोई छोटे बच्चों में ज़्यादा हम फर्स्ट सेकंड करते नहीं हैं, लेकिन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए, एक परफॉर्मेंस अच्छी के लिए हम ये चीज़ को कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्कूल्स पर ये सब हेल्दी कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं ताकि जो पेरेंट्स हैं वो आपको अच्छे से करवाएं. अब मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको कि मैम जो ये लाइनें होगी वो कौन बताएगा? जैसे माई सेल्फ में अगर मैं लाइन बताऊं तो माई सेल्फ तो कॉमन है. तो मतलब प्ले ग्रुप के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 3 से 4 लाइनें भी माइक में बोल दे, दैट इज़ द इनफ थिंग. क्योंकि इतने बच्चे से इतना ही एक्सपेक्ट करें तो ठीक होगा. लेकिन अगर नर्सरी की बात हो रही है तो मैं कहूँगी कम से कम 5 to 6 लाइन तो बच्चे को आने चाहिए. साथ ही जैसे LKG हो गया तो 8 to 10 लाइन्स, एंड UKG में आपकी 10 to 12 लाइन्स. तो ये थोड़ा सा हमने एज के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है, ठीक है. तो अभी कोई डाउट है तो मुझे बताइए. अभी मैंने जितनी आपको एक्टिविटी बताई है उसमें कोई डाउट है आपको? इंटरेस्टिंग लग रहा है. इसी तरीके से आपकी माई सेल्फ होगा, फ्रूट्स कंपटीशन होगा. अब फ्रूट्स में आपको क्या करना है? फ्रूट्स की लाइनें बुलवानी है. दिस इज़ द एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ रेड इन कलर, आई लाइक एन एप्पल, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लाइक दिस. मतलब रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट आप करवाएंगे. तो आज मैं स्वाति जी इतना ही आपका रखती हूँ. और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है थोड़ा अपने से रीड आउट करना, और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस मोर. क्योंकि मैं आपको साथ साथ एक्टिविटी भी बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करवाना है, ठीक है. तो थोड़ा सा इसको अपने से रीड अप करना है. मैंने आपको PDF ऑलरेडी सेंड कर दी है. एंड स्टिल यू फेसिंग एनी टाइप ऑफ डाउट तो आप हमें बता सकते हैं. तो अभी मैंने आपको जितना बताया है, आपको कोई भी डाउट है तो बताइए. यस तो मैम तो समझ में आ गया ना. माइक कंपटीशन का था तो वो आपने बता ही दिया, बाकी का हो गया. अब वो हम बीच बीच में करवा भी रहे हैं, जिससे बच्चों को फ्रूट्स नेम है, या बीच में मैं बोलती हूँ अपने टीचर्स को कि भाई अब इसको फ्रूट्स नेम सुनो. अब वो जितना बच्चा एक्चुअली क्या है, कुछ बच्चे कम भी आए क्योंकि किसी को फीवर हो गया, विंटर थे, तो कुछ बच्चे मतलब 2-3 जो 2 बच्चे थे वो नहीं आ रहे थे प्ले ग्रुप वाले. नर्सरी की आ रही थी जो प्री नर्सरी की, तो उसको हम करवा रहे हैं. अब रेगुलर अगर बच्चे आएंगे तभी थोड़ा सा और. आज पापा नहीं है, 8 क्लास लोगे हैं. क्या बोल रही मैम? पापा नहीं है आज, आप क्लास लोगे? आज आप क्लास लोगे? नहीं, सर को बता देना कि मैंने ये पढ़ा था, मैम ने ये बताया, ठीक है. ठीक है, बोले वो तो मम्मा बता देगी, है ना. ठीक है, जोक अपार्ट. तो मैं ये कह रही थी आपको कि ये सब एक्टिविटीज थोड़ा सा, अभी बच्चे थोड़ा सा और आपकी स्ट्रेंथन हो जाए तब थोड़ा सा और मज़ा आता है. लेकिन टाइम टू टाइम आप कुछ एक्टिविटीज़ को भी मिक्सअप कर सकते हैं, करवा सकते हैं फॉर अ चेंज, ठीक है. जैसे अभी रिपब्लिक डे आ रहा है तो काइंड ऑफ आप सेलिब्रेट कीजिए वहाँ पे रिपब्लिक डे का, ठीक है. तो हम आगे क्लास में करेंगे डिस्कस कि नेशनल डे को या रिलीजियस फंक्शन को कैसे सेलिब्रेट करना है स्कूल में, कैसे हम यूज करें, कौन कौन से वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं इनको सेलिब्रेट करने के.
तो अभी ये पार्ट थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएगा, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एक्टिविटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एज आई टोल्ड यू कि आप किसी ब्रांडेड स्कूल में देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो ये एक्टिविटी कहीं नहीं सेलिब्रेट हो रही है, तो मतलब बहुत मिस कर रहे हो आप किसी स्कूल की क्वालिटी पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट. सो नाउ इज टाइम टू फॉर माई अनदर क्लास. तो येस स्वाति जी, यू हैव एनी डाउट? येस लिंक आई या मैसेज, तो आपका कोई डाउट है तो बताइए मुझे. येस दे नहीं पाए. अब जब बच्चे आएंगे तो हमें न्यू ईयर का कार्ड भी देना बनाया है. हमने न्यू ईयर का कार्ड बनाया है बच्चों के लिए, बच्चों को गिफ्ट करने के लिए. अभी वेकेशन चल रही है आपके स्कूल में? हाँ हाँ मैम, 15 तक है डीएम के ऑर्डर से, 15 तक है यहाँ, 16 से प्ले. ओके, तो ओके स्वाति जी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सो आई एम एंडिंग द सेशन. थैंक यू.